हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब माउंट चैनल। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट से रिगार्डिंग हमें आपके बहुत सारे सवाल मिले। शायद आपने अभी तक हमारा ड्राई फ्रूट रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है। ड्राई फ्रूट से रिलेटेड एक ड्राई फ्रूट से रिलेटेड जानकारी हमने आपको शेयर की है, लेकिन कुछ चीजें आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ड्राई फ्रूट को कब खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, जिससे आपको उसका ज्यादा फायदा मिले। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स आप पूरी प्रेगनेंसी खा सकती हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं और प्रेगनेंसी में तो उसको नहीं खाया जा सकता। ऐसा नहीं है। ड्राई फ्रूट्स को अगर आप भिगोकर खाती हैं तो उसके पित्त कारक यानी कि सो कॉल्ड हीट कॉजिंग एलिमेंट्स निकल जाते हैं पानी में और आप उसको कंज्यूम कर सकती हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन है, मिनरल्स है, फाइबर है, गुड फैट है, विटामिन ई है। तो ये सारी चीजें आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स आप खा सकती हैं। डिटेल वीडियोस और भी है ड्राई फ्रूट में, उन्हें भी आप जरूर देखिए। लेकिन इसके अलावा एक और बात पूछी जाती है कि किस महीने से खाएं। आप शुरू से खा सकती हैं ड्राई फ्रूट्स को, जिनको शुरू के समय फर्स्ट ट्रिमेस्टर में नोजिया वोमिटिंग अगर नहीं होती है, डाइजेशन ठीक है, आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, तब आप जरूर खाएं। नोजिया वोमिटिंग है तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, तो आप रेजिन यूज कर सकती हैं। बाकी चीजें अगर यूज कर पाए तो करें, ना कर पाए तो आप उसको नोजिया वोमिटिंग जब सबसाइड हो जाता है तब से आप शुरू कर सकते हैं। पूरे 9 महीने तक आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ड्राई फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम क्या है। तो ड्राई फ्रूट आप सुबह के समय अगर खाते हैं, जैसे कि आप सुबह उठे और नाश्ता बनाने तक आपको थोड़ा वक्त लगा, 1 घंटा लगा, तो बीच में आप ड्राई फ्रूट्स जरूर यूज कर लीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट में स्मूदी में यूज कर सकते हैं, नाश्ता बना रहे उसमें अगर कुछ ऐसा बना रहे हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। सुबह के समय खाने से इससे ज्यादा आपको लाभ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोपहर को नहीं खा सकते। 3-4 बजे लंच लेने के बाद में आपको बार बार अगर छोटी छोटी भूख लगती है तब आप ड्राई फ्रूट्स को खा सकते हैं। हो सकता है कि 2 ड्राई फ्रूट सुबह के समय खा लिए और 2 या 3 ड्राई फ्रूट जो बच गए हैं उनको आपने शाम के समय पे कंज्यूम कर लिया, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, कई महिलाओं को बिल्कुल भी डाइजेस्टिव इश्यूज परेशान नहीं करते हैं, बहुत अच्छा डाइजेशन रहता है, कोई परेशानी नहीं होती, वो रात को भी फ्रूट्स को सोने से पहले अगर आपको भूख लग जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में ऐसा होता है कि रात को सोने जाते जाते तक आपको भूख लग गई, तो भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स को हनी के साथ ऐड करके, आप दूध में ऐड करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली पर्सन पर डिपेंड करता है कि उसको कितना डाइजेस्ट हो रहा है। याद रखें, प्रेगनेंसी में हनी बहुत सावधानी से खाएं, रॉ हनी को ना खाएं, क्योंकि उसमें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो बच्चे में डिफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए हनी रिगार्डिंग मेरा वीडियो जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।